मुंबई महानगर पालिका ने दुकानों पर मराठी भाषा में साइन बोर्ड लगाने की समय सीमा दूसरी बार बढ़ाते हुए अब 30 जून कर दी है। इससे पहले समय सीमा 10 जून तक बढ़ाई गई थी। ज्ञात हो कि राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार मुंबई में सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों के साइन बोर्ड बड़े मराठी अक्षरों में लिखने का निर्देश दिया गया है, जिसकी समय सीमा पहले 31 मई तय की गई थी, लेकिन कई दुकानदारों और प्रतिष्ठान मालिकों की अपील के बाद पहले 10 जून और अब 30 जून तक के समय सीमा में वृद्धि की गई है। दुकानदारों और प्रतिष्ठान मालिकों ने अपनी मांग रखते हुए बेहद ही कम समय का हवाला दिया था, जिसके बाद वे लगातार समय में और वृद्धि करने की मांग कर रहे थे, जिसे मनपा ने अब मान लिया है। बता दें कि इस बात से महानगर पालिका नाखुश थी कि राज्य सरकार ने दुकानों का बोर्ड मराठी भाषा में होने के निर्देश जारी करने के बाद भी अभी भी कई दुकानों के साइन बोर्ड इंग्लिश में लिखे हुए हैं। इस बारे में बीएमसी के उपायुक्त ने बताया कि 30 जून के बाद यदि दुकानदार मराठी बोर्ड लगाने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि दुकानदार कोर्ट की कार्रवाई से बचना चाहेगा तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके तहत दुकान में कार्यरत प्रति व्यक्ति के हिसाब से 2,000 रुपये का दंड वसूला जाएगा। दुकानदारों को यह आखिरी मौका दिया गया है, इसके बाद महानगर पालिका बड़ी कार्रवाई करेगी। DRB News Bureau, Mumbai.